की जनवादी नौजवान सभा राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश के सदस्यों ने लगातार बढ़ती बेरोजगारी की दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी कड़ी में 10 दिसंबर को बालीचौकी में भी नौजवान सभा का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ती बेरोजगारी व अन्य क्षेत्रीय मांगों पर चर्चा करते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। गौरतलब है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने के आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.1% है और पूरे हिंदुस्तान का पूरे देश की बेरोजगारी दर 7.1% है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे भारतवर्ष की लगभग दोगुनी है। और हम ये मानते हैं कि जब ये सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा सबसे शिक्षित राज्य है, परंतु बेरोजगारी में आज हिमाचल प्रदेश यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ गया है। और ऐसी हालात में हिमाचल प्रदेश में आम युवा जो है परेशान है। और नौजवान सभा ये मानती है कि ये बेरोजगारी इसलिए है जो कि हिमाचल सरकार ने 2005 में FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बस्टरी मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 में लाया है, जिसके तहत प्रदेश के अंदर सैकड़ों खाली पद समाप्त कर दिए गए हैं और लगभग पिछले 3 सालों में 2068 पद जो है विभिन्न विभागों में खत्म किए जा चुके हैं। और सरकार कोई भर्ती नहीं कर रही है, अगर जो भर्तियां कर भी रही है वो भर्तियां सरकार की नलायकी और नाकामयाबी की वजह से कोर्ट में फंसी है। इसलिए नौजवान सभा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि यदि हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी दर पर अंकुश लगाना है तो FRBMA को तुरंत निरस्त करना होगा और जो वैकेंट पोस्टें खत्म की जा रही है उसे उस पर अंकुश लगाना होगा।